हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को लेके कई स्टूडेंट के कुछ सवाल हैं, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या लेना ज़रूरी है, क्या ये स्कूल में और कॉलेज में भी दिया जाता है, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। हमने तो कॉलेज में एडमिशन लिया था तो किसी भी तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमसे नहीं मांगा गया, तो फिर इसे लेने की क्या ज़रूरत है। क्या ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों को मिलता है। प्राइवेट कैंडिडेट यानी वैसे कैंडिडेट जो NIOS जैसे इंस्टीट्यूट से अपना CBSE का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते और उनको केवल बोर्ड एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाना होता है। इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है। माइग्रेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक तरह से नो ऑब्जेक्शन लेटर है जो आपको क्लास 10th या क्लास 12th पास होने के बाद मिलता है। दूसरा, जब आप किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं या फिर कॉलेज चेंज करते हैं तो आपको मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई आप उस स्कूल या कॉलेज में ना करके किसी और स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लें, तो इस बात के लिए यूनिवर्सिटी या स्कूल बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है, उनकी तरफ से किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है क्लास 10th के बाद, क्लास 12th के बाद और कॉलेज में किसी भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको स्कूल या कॉलेज के द्वारा इशू नहीं किया जाता, केवल आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ये सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्कूल बोर्ड, यानी जिस बोर्ड से आपका स्कूल एफिलिएटेड है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर और कोई बोर्ड हो, जिस बोर्ड से आपका स्कूल एफिलिएटेड है वहीं से, उसी स्कूल बोर्ड से आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसी तरह से जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वो यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करके देता है। भले ही आप सर्टिफिकेट के लिए कॉलेज के द्वारा या फिर स्कूल के द्वारा अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी या स्कूल बोर्ड के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपके स्कूल या कॉलेज में भेजा जाता है, वहाँ से आप रिसीव करते हैं, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जहाँ से बनता है वो होगा आपका स्कूल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। इसीलिए अगर आपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है और अब आप लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करना होगा स्कूल के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए स्कूल बोर्ड में और कॉलेज के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यूनिवर्सिटी में। आप चाहे तो डायरेक्ट स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल या कॉलेज के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप क्लास 10th किसी स्कूल से पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि क्लास 11th किसी और स्कूल से करें, हो सकता है सेम स्कूल बोर्ड से आप पढ़ना चाहते हो या फिर अपना स्कूल बोर्ड चेंज करना चाहते हो। मान लीजिए आपने क्लास 10th ICSE बोर्ड से पढ़ाई की थी, लेकिन अब आप CBSE बोर्ड से 11th 12th करना चाहते हैं, या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं अपने पढ़ाई करने के लिए, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से क्लास 12th के बाद या फिर किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी और कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उस टाइम में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि एडमिशन के टाइम स्कूल या कॉलेज आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना ले, लेकिन ज़्यादातर जो रिप्यूटेड कॉलेज हैं वो आपसे ये सर्टिफिकेट ज़रूर मांगते हैं। हो सकता है जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपने अभी एडमिशन लिया है उसने आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम नहीं मांगा, लेकिन आगे जाके आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी और स्टेट या देश में जाते हैं और वहाँ पर कोई कोर्स परस्यू करते हैं और वहाँ पर आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, और उस समय आपके पास इतना टाइम ना हो कि इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें या फिर अपने शहर वापस जाकर उस सर्टिफिकेट को स्कूल या स्कूल बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से निकलवाएं,
तो इससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद या अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी आप निकलवा कर रख लें। पता नहीं किस मौके पर किस टाइम पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। पहले स्कूलों में क्लास 10th और क्लास 12th के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर स्टूडेंट को चाहिए होता था तो उनको अलग से अप्लाई करना होता था, लेकिन अब क्लास 10th या 12th का जब रजिस्ट्रेशन होता है या फिर LOC की फीस भरी जाती है उसी समय स्कूल आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फीस भी ले लेता है, उसके लिए भी स्कूल बोर्ड को अप्लाई कर देता है। इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लास 9th या क्लास 11th में होता है या फिर LOC की फीस जब सबमिट होती है क्लास 10th में या क्लास 12th में, उस समय आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन और फीस दोनों स्कूल बोर्ड में भर दिया जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहे रेगुलर कैंडिडेट हैं या फिर प्राइवेट कैंडिडेट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह के कैंडिडेट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज द्वारा नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी द्वारा। इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों ही कैटेगरी के प्राइवेट और रेगुलर कैंडिडेट को मिलेगा। कॉलेज लेवल पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने का प्रोसेस कई सारे ऑफलाइन है, यानी आपको यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना होता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जिनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसे कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो ये आप चेक कर लेना कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है उसका तरीका क्या है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, उसी तरह से आपको अप्लाई करना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अप्लाई करने की फीस ज़्यादा नहीं होती है, 250 से 500 के बीच में होती है। ये अलग अलग स्कूल बोर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अमाउंट वेरी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि क्लास 12 के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन के टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको स्कूल से ले लेने चाहिए ताकि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। उसे भी आप ज़रूर चेक करें और ध्यान से अपने सारे सर्टिफिकेट निकलवा लें, क्योंकि सिर्फ TC और मार्कशीट ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।